वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हनी सिंह ने सिखों के बारे में ऐसा क्या बोला कि पूरी दुनिया के अंदर सिख उसका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध आज हुआ या 10 साल पहले हुआ ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया के ऊपर इसको कंट्रोवर्सी का नाम देकर पेश किया जा रहा है। हर कोई हनी सिंह को आज के समय गालियां दे रहा है, लेकिन हनी सिंह ने ये जो बातें बोली थी ये आज से 10 साल पहले बोली थी। हनी सिंह ने ऐसा क्या बोला था, वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत का भी मुंह तोड़ दिया है, और दलजीत दोसांझ ने 6 सितंबर को दोस्तों एक पोस्टर जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने कंगना रनौत को इनडायरेक्टली जवाब दे दिया, जिसके अंदर उन्होंने ये दिखा दिया सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी की जो पोस्ट थी उनकी तस्वीर थी, उन्होंने अपने टाइमलाइन के ऊपर अपनी आईडी के ऊपर पोस्ट की थी, जिसके बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया कि आज के दिन तो 6 सितंबर को कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म रिलीज होनी थी लेकिन वो रिलीज नहीं हुई, सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी की पोस्ट सभी को वहां पर शो हुई। तो दलजीत दोसांझ अपने नए नए तरीकों से सिखों का नाम रोशन करता रहता है। इस बार उन्होंने 6 सितंबर को बड़े अच्छे दिन के ऊपर, बड़े अच्छे समय के ऊपर कंगना रनौत का ये पोस्ट डालकर मुंह तोड़ दिया था। लेकिन बात करते हैं पंजाब की, जहां पर एक ग्रंथी सिंह को 2 तोले का कैंठा दिया गया है। ग्रंथी सिंह का सम्मान किया गया, जहां पर ग्रंथी सिंह को 2 तोले का कैंठा दिया गया गांव वालों की तरफ से। लेकिन यहीं पर सिख संगत विरोध करती हुई भी नजर आई कि आप लोग यहां पर ग्रंथी सिंह का सम्मान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सम्मान के रूप में अगर थोड़ी बहुत इनकी मेडिकल पॉलिसी भी, इनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी करवा देते कि अगर इनके परिवार को कोई जरूरत होती आने वाले फ्यूचर के अंदर, तो इनकी उसके लिए मदद के लिए यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस जरूर होता। दोस्तों तीसरी मैं बात करूंगा, यहाँ पर श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर एक सोने का चंदोहा दिया गया है, वहां पर भेंट किया गया है। किसी गुरसिख परिवार ने श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर सोने का 10 लाख रुपए का भेंट किया है। लेकिन यहीं पर हमारी इन लोगों से, इन परिवारों से एक विनती है कि यदि आप लोग इस प्रकार से 10 लाख रुपए का जो श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर भेंट करते हैं, तो इसमें से आप 50,000 का 1 लाख का कर देते, बाकी का जो 9 लाख है वो किसी गरीब की सेवा के अंदर लगाते, किसी का मकान नहीं था 1-2 लाख देकर वहां पर उसकी मदद करते, उसका मकान बनवाते, वो आपकी सेवा वहां पर काम आते, किसी का बच्चा पढ़ने वाला था तो उसका बच्चा पढ़ाते, किसी ग्रंथी सिंह का, किसी सिख का, बुजुर्ग का इलाज होने वाला था तो उसका इलाज करवाते। कहा जाता है कि गुरु की गोलक गरीब का मुंह। अब गुरु की गोलक गरीब का मुंह होती है, लेकिन अगर चंदोवा लग जाएगा 10 लाख का तो वो वहीं रह जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी हम सभी को मिलकर सोचना चाहिए कि हमें इतने इतने महंगे जो चंदोवे है वो ना देकर थोड़ी बहुत जो सेवा है गरीबों के लिए भी करनी चाहिए। यहीं पर अब बात करते हैं, हमने दलजीत दोसांझ की आपको बात बताई, ग्रंथी सिंह की बात बताई, लेकिन अब बात करते हैं हनी सिंह की। दोस्तों हनी सिंह ने पिछले समय के अंदर एक इंटरव्यू दिया था द ललन टॉप चैनल के ऊपर। जब उन्होंने ललन टॉप चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया तो उसके अंदर उन्होंने अपने जिंदगी के वो सारे पलों के बारे में बताया, किस प्रकार से वो करियर के फेम के ऊपर थे, उनको अहंकार किस प्रकार से आया, किस प्रकार से वो शैतानी गाने गाने लगे, शैतानी गाने लिखते थे, ऐसे ही लिखते लिखते बोतल वोट का काम मेरा रोज का गाना लिखा जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिखा था। इस गाने के पीछे की कहानी क्या थी सबसे पहले आप ये सुन लो। जब ये कहते थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का जो टूर करने गए थे ये लोग, उस फिल्म की प्रमोशन करने गए थे, और वहां पर इन्होंने शाहरुख खान के साथ ये गए थे, और वहां पर स्टेज के ऊपर जब ये गाने पहुंचे तो इनका विरोध हुआ, वहां पर 500 सिखों ने इनका विरोध किया, जिसके बाद ये इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए। सिखों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि ये पंजाब के अंदर, भारत के अंदर बहुत गंदे गाने गा रहे थे, अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, और ये अपने आज के समय के अंदर जहां पर पूरी दुनिया के अंदर सिखों का नाम रोशन हुआ है, वहीं पर ये खुद को सिख बताते हुए गंदे गाने बना रहे थे। जो हाल चमकीले का था वही हनी सिंह का था। कभी किसी समय के अंदर चमकीला गंदे गाने गाता था, फिर उसका विरोध हुआ, फिर उसके बाद उसने धार्मिक क्षेत्र के अंदर चले गया। चमकीले के मतलब उसकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा समय नहीं आया था जहां पर वो इस प्रकार से नशेड़ी हो गया था और वहां पर उसका करियर खत्म हो गया हो। चमकीले से लोग कोसों दूर भागते थे, लेकिन उसको सुनने वाले उसके श्रोता उसके नजदीक आते थे, जो लोग सुनना चाहते थे वही चमकीला सुनाता था। लेकिन हनी सिंह के केस के अंदर मामला अलग है। हनी सिंह ड्रग अडिक्ट बन गया था, नशेड़ी बन चुका था, इतना बड़ा नशेड़ी जिसकी आप बातें नहीं समझ सकते। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहले हनी सिंह की ये बात सुना देता हूँ जो इन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू के अंदर बोली। गाना लिखा किसने था, 4 बोतल वोट का? मैंने लिखा, और 4 बोतल वोट का पी के लिखा था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख भाई के साथ टूर पे था मैं 2013 में। मेरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हनी सिंह नहीं आएगा, ये गंदे गाने बनाता, ये कल्चर खराब करता। फाइनली मैं टूर पे गया, 25,000 लोग थे, मैं स्टेज पे गया तो 25,000 में से
30,000 लोग शोर मचा रहे थे और सिर्फ 500 लोग बाहर मेरा पुतला साड़ रहे थे और मेरा पोस्टर लेके खड़े। वो 500 लोग मेरे को इतना इरिटेट कर गए ना और हर्ट कर गए। रूम में आगे शो के बाद मैं शराब पीते, मैंने लैपटॉप खोल लिया, मैंने बीट बनानी शुरू कर दी। 2.5 बोतल के बाद उस बीट पे मैंने बात ली, 4 बोतल वो का काम मेरा रोज का। लड़के मैं लड़कों बोला समझ में आ रहा है भाई ये क्या चीज है। जब पूरी 4 बोतल खत्म हुई तो मैंने एक डिसीजन लिया, मैं इसको मैं पता कैसे गाऊंगा, मैं कैसे गाऊंगा, मैं इसको बच्चे की ना बच्चे की एक्शन में गाऊंगा। कहते भाई ऐसा क्यों, मैं कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोट का जो कह रहे हैं कि मैं नस्ल खराब कर रहा हूँ। और मैंने कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोट का शो का, बच्चा बच्चा गाएगा। और वो हुआ सर। इसलिए सिखों के बारे में इसने ये शब्द जो वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोले, लेकिन आज के समय सोशल मीडिया के ऊपर हनी सिंह का इन्हीं शब्दों को लेकर इस समय विरोध हो रहा है। कहते हैं कि हनी सिंह ने सिखों के बारे में बहुत अपशब्द बोले हैं, सिखों की नस्लें तबाह करने के बारे में बोल रहा है। लेकिन आप एक बात समझो कि हनी सिंह वहां पर सिखों की नस्लें मिटाने के बारे में, इनकी नस्लों के अंदर ये शब्द को डालने के बारे में बोल रहा था। लेकिन आज के समय आप देखो हनी सिंह की खुद की पुश्तें, खुद की नस्लें तो बर्बाद हो चुकी है। हनी सिंह का करियर खत्म हो गया, जो सिखों का करियर खत्म या सिखों के किरदार कुशी करने निकला था उसकी खुद की कितनी किरदार कुशी हुई है। उसकी पत्नी छोड़ गई, तलाक हो गया, कितनी कितनी सारी बातें इस बंदे के ऊपर लगी। ये खुद मानता है कि मैं नशेड़ी था और मैं शैतानी गाने गाता था, मैं लड़कियां नचाता था, क्लब के अंदर जाता था, पार्टियां करता था, दारू के अंदर टुन रहता था, गांजा चरस पता नहीं क्या क्या पीता। इसका आप इंटरव्यू सुनोगे तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हमारे जो कुछ भाई है सोशल मीडिया के ऊपर, उनको केवल हेट फैलाना होता है। यहाँ पर वो ना हेट फैलाने का मौका ढूंढते हैं। हनी सिंह की ये बात 10 साल पुरानी थी, इस बात को उसने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया। उसने आज के समय में मानता हूं कि उसने अपनी गलती मानी, वो उस इंटरव्यू के अंदर भी मान रहा है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। और आने वाले समय के अंदर हनी सिंह धार्मिक शब्द लेकर आ रहा है, धार्मिक शब्दों की एल्बम लेकर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उसने अपने उस इंटरव्यू के अंदर ये बातें मानी है, ये भी एक जिगरे का काम है कि उसने माना कि मैंने ये गलतियां की थी, मैं इनके बारे में ऐसा सोचता था, और उसकी आज पुश्ते बर्बाद हो चुकी है। जो सिखों के बारे में बुरा सोचता था, अब्दाली आया था, औरंगजेब आया था, इनकी पुश्ते खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। जो सिखों को बर्बाद करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। तो यही बातें हैं। आप देखो कंगना रनौत वाले मामले के अंदर भी कंगना सिखों के खिलाफ हेट फैलाना चाहती थी, हाईकोर्ट ने उसको झटका दे दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि हम मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के खिलाफ जो उसका फैसला आया था उसके खिलाफ नहीं जा सकते, हम हाईकोर्ट की तौहीन नहीं कर सकते, आपको फिल्म के ऊपर कट लगाने पड़ेंगे। मुंबई की बॉम्बे की जो हाई कोर्ट थी उसने भी यही फैसला दिया था। अब आने वाले समय के अंदर कंगना रनौत की फिल्म रिलीज होने जा रही है और उस फिल्म को सर्टिफिकेट मिल चुका है, उसके अंदर कट लगा दिए गए हैं। अगर आने वाले समय के अंदर आपको फिर भी लगता है कि इस फिल्म के अंदर सिख कम्युनिटी के प्रति कहीं पर जहर फैलाया गया, कंगना ने गलत दिखाया, तो उसका हम फिर से मिलकर खुलकर विरोध करेंगे। कंगना की फिल्म रिलीज होने जा रही है, उसको मुबारकबाद दो। अगर तेरी फिल्म के अंदर सिखों के प्रति ऐसा कुछ नहीं है तो तू अपनी फिल्म दिन दुगनी तेरी रात चौगनी तरक्की करे। लेकिन हमें पता है कि लोगों ने तेरी फिल्म कंगना कितनी देखनी है, पिछली 10 की 10 फिल्में इसकी सुपर फ्लॉप रही है। इसको छोड़ो, अब बात करते हैं हनी सिंह की। हनी सिंह ने जो बातें वहां पर बोली, उसने माफी मांगी कि मतलब मैं ये चीजें करना नहीं चाहता था लेकिन शैतान मुझसे ये काम करवाता था। इसको भी छोड़ दो, इसके ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि हनी सिंह चाहता था कि सिखों के नस्लों के अंदर वोट का शब्द, नशे जैसा ऐसा ड्रग्स जैसा शब्द जो है वो घुसाना चाहता था। लेकिन हनी सिंह अपने इंटरव्यू के अंदर ये सारी बातें क्लियर कर गया कि आज के समय वो एक रिलीजियस और धार्मिक एल्बम लेकर आ रहा है। इसके ऊपर आप अपनी राय रखना कि क्या इसने गलत बोला, सही बोला। अगर इसने उस समय ऐसा बोला था तो इसके साथ क्या हाल हुए, इसके पिछले समय के अंदर ये मर चुका था और तकरीबन इसने बताया कि 2 साल ये एक कमरे के अंदर केवल इसने खुद को बंद रखा, एक कमरे के अंदर बिना टीवी बिना इंटरनेट के, हर एक चीज के, बिना मोबाइल के। तो ये बातें भी एक अहमियत रखती है। जीवन के अंदर एक बंदा गलती करे और मीडिया के सामने इस प्रकार से आकर वो माने कि उसने ये बातें बोली थी सिख कम्युनिटी के खिलाफ, और उसकी हालत देखो कि हालत कैसी बना दी। जो कहते थे कि हनी सिंह इलुमिनाती का चेला है, दलजीत इलुमिनाती का चेला है, तो वो दलजीत किसी भी इलुमिनाती का चेला नहीं निकला। दलजीत निकला दिल लुमाती का, और दुबई के अंदर उसका टूर हो रहा है, पंजाब के अंदर, भारत के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर, अक्टूबर महीने के अंदर वो फिर से शो कर रहा है। तो जिस प्रकार से दलजीत ने कंगना का मुंह तोड़ा बड़ा अच्छा लगा, हनी सिंह ने अपनी गलतियां मानी अच्छा लगा, और हनी सिंह ने सिखों के बारे में जो बोला था इसके ऊपर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर रखना। ग्रंथी सिंह को सम्मान दिया गया, बहुत अच्छी बात थी। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।